सिड की सिप, सिद्धार्थ जी की SIP आपके लिए तैयार है। हर हफ्ते नई और बेहतरीन थीम के साथ सिद्धार्थ जी जुड़ते हैं। वाह सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आपका थोड़ा ये टी शर्ट दिखाइए ना जरा हमको, वो इसमें हाँ कुछ क्या, कुछ ऐसी योग जैसी थीम दिख रही है, इसके ऊपर क्या है सर? नहीं नहीं अनिल जी, ये तो एक शूज बना हुआ है। अच्छा ओके मतलब ये तो योग टाइप वाला है एकदम, बिल्कुल ओके योग नहीं है योग यो। ओके ओके बताइए सिद्धार्थ जी इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, इंटरनेशनल योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। अनिल जी आपने जो स्ट्रेचिंग सिखाया वो मैंने भी किया, क्योंकि मैं करीबन 7-8 मिनट से जुड़ चुका हूं, तो मैं भी स्ट्रेचिंग ही कर रहा था तो। और आपने एक चीज बहुत अच्छी सिखाई जो मेरे ऑफिस में बहुत काम लगेगी, बहुत जन आपको कॉपी भी करेंगे, कौन सा? क्योंकि सब फॉर्मल्स में आए हैं ऑफिस में, और आपने जो अभी योग स्ट्रेचिंग दिखाया जो जैन साहब और आशु जी के बोलने पे करना है वो आपने फॉर्मल्स में करके दिखाया है, तो लोग प्रभावित हो गए हैं कि अब फॉर्मल्स में भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हाँ ये बात सही है, नहीं तो क्या है अब ऑफिस में आप कोई टी शर्ट और शॉर्ट्स या योगा पैंट्स पहन के तो नहीं कर सकते। Exactly. So, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिकली भाई खाली स्लीव थोड़ी फोल्ड कर लो, थोड़ी टाई वाई लूज कर लो, और क्या है Exactly. इतना कर लिया तो काम हो गया, तो बस बढ़िया है, करते रहे बीच बीच में मौका मिले तब। बताएं सर हफ्ते की थीम। बिल्कुल अनिल जी, और आज की जो थीम है वो है बेस्ट ऑफ टाइम्स। जी हाँ, बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये इसीलिए ऐसी थीम है, ऐसी कंपनियां हैं जिनके फाइनेंशियल नंबर्स उनके हिस्टोरिकल बेस्ट पे है। हमारी जो यूनिवर्स है, कवरेज यूनिवर्स, उसमें से हमने निकाला है जो हिस्टोरिकल बेस्ट कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स में जोरदार काम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है, प्राइसिंग पावर जोरदार है, साथ ही साथ ये जो रोबस्ट प्राइसिंग होता है और अच्छे मार्जिन जो होते हैं ये दर्शाते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बिजनेस पे खड़ा है। और मार्जिन ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कामकाजी मुनाफा है वो ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैश जनरेशन कैपेबिलिटीज ये कंपनियों की दमदार है। तो आज का जो थीम है वो एग्जाम्पल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और हायर रेवेन्यूज वाली थीम है, जिसके इनपुट प्राइसेस गिरे हुए हैं, जिसके कारण मार्जिन बेहतर हुए हैं, और हाईएस्ट एवर, उनके हिस्ट्री के हाईएस्ट एवर मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी वाली थीम है आज बेस्ट ऑफ टाइम्स। बेस्ट ऑफ टाइम्स, जो कंपनी अपने सबसे बेहतरीन समय में चल रही है वहां पर आप बनाएं पोर्टफोलियो। थीम बेहतरीन, स्टॉक्स भी जान लें सिद्धार्थ जी से। बताएं सर कौन कौन से शेयर आपने चुने और किस प्रोपोर्शन में कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल अंजी, चार कंपनियां हैं इसमें, और शुरू करता हूं। सबसे पहली कंपनी होगी भारती एयरटेल। टारगेट आपको रखना है 890 रुपए का, 890, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। हाईएस्ट एवर अबिट्टा मार्जिन देखे गए 53%, हाईएस्ट एवर मुनाफा देखा गया 8300 करोड़। सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, करीबन 37 करोड़ सब्सक्राइबर है भारतवर्ष में। आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 193 के करीब है। एवरेज डेटा कंजम्पशन जो है वो 20 GB प्रति मंथ का है भारतीय एयरटेल का। वैल्यू अनलॉकिंग की भी स्टोरी है, और ब्रॉडबैंड बिजनेस भी दमदार कर रहा है। दूसरी कंपनी होगी नवीन फ्लोरिन, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। टारगेट रखेंगे 5900 का, 5900 का, 30 रुपए लगाए 100 रुपए में से। हाईएस्ट एवर कामकाजी मुनाफा और मार्जिन 28.9%, 29% के करीब मार्जिन दिखे। हाईएस्ट एवर 136 करोड़ का हाईएस्ट एवर मुनाफा देखा गया, 80% से बढ़ के आया। मैनेजमेंट 20% YOY ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं नवीन फ्लोरिंग की, और स्ट्रॉन्ग डिमांड है। प्रॉफिट्स 40% CAGR से ग्रो हो सकती है नवीन फ्लोरिंग की, 1500 करोड़ का केपेक्स। तीसरी कंपनी है रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, टारगेट है 500 रुपए का, राउंड टोटल 500 रुपए का, 20 रुपए लगाए 100 रुपए में से। ये तो पिछला साल गया, उसमें हाईएस्ट एवर मुनाफा देखा गया और हाईएस्ट मार्जिन देखा गया ये कंपनी द्वारा 15% के करीब। सेल्स का प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज देती है, प्रोसेसिंग करती है, स्ट्रॉन्ग टाइप है इनके जो क्लाइंटाइल है, मेक माई ट्रिप, यात्रा, लुफ्थांसा एयरलाइंस, ओयो रूम्स, तो ये इनके पार्टनर्स है। तो चौथी कंपनी होगी पूना वाला फिनकॉप, टारगेट होगा 417 का, अंतिम के 20 रुपए लगाने हैं आपको इस बेस्ट ऑफ टाइम्स के स्टॉक में पूना वाला फिनकॉप। हाईएस्ट एवर मुनाफा देखा गया, और निम्स हाईएस्ट एवर 10.8% नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10.8% है,
एनबीएफसी कंपनी है, सीएजीआर 38% से ग्रो होने वाली कंपनी है, निम्स 10% हो सकते हैं, और रिटेल और एमएसएमई में फुल फोकस है पूना वाला फिनकॉर्प। तो आज का जो थीम है वो है बेस्ट ऑफ टाइम, जिस पे आपको निवेश करना है, 6 से 12 महीने का समय सीमा है, और जो कंपनियां अपने खुद की रिकॉर्ड्स तोड़ती है वही दमदार कंपनियां होती है। तो जो कहते हैं कि आप उन्नति करो अपने से बेहतर करो, तो ये कंपनियां बेस्ट ऑफ टाइम्स अपने सबसे अच्छे स्वीट स्पॉट पे है, इसी पे खरीदारी करनी चाहिए एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बेस्ट ऑफ टाइम्स थीम। सिद्धार्थ जी की तरफ से कुछ बेहतरीन पिक्स भी सिद्धार्थ जी लेकर आए हैं। भारतीय एयरटेल खरीदारी करिए 890 के टारगेट के लिए, नवीन फ्लोरीन 5900 का टारगेट होगा, रेट गेन ट्रैवल टेक 500 के टारगेट के लिए इस पर आपको करनी है खरीदारी, और फाइनली पूना वाला फिनकॉप 417 के टारगेट के लिए यहां पर भी करें खरीदारी। बेस्ट ऑफ टाइम्स थीम सिद्धार्थ जी लेकर आए हैं, बेस्ट ऑफ टाइम्स मार्केट के लिए भी है, बेस्ट लेवल से बस 25 अंक दूर अभी आपको निफ्टी दिख रहा है। तो कोशिश है, रिकॉर्ड है कि आ रहा है करीब, बट एग्जैक्टली उस लेवल पर अभी नहीं आया, सेंसेक्स भी ज्यादा दूर नहीं है अपने रिकॉर्ड से। बट शुक्रिया।